चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। साथियों, अभी हम श्री आनंदपुर साहिब से निकलेंगे माता नैना देवी के मंदिर के सफ़र के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं सफ़र पे श्री माता नैना देवी के। जयकारा नैना देवी का। चलो, वैसे तो मंदिर तक हम पैदल भी जा सकते हैं, अपने कन्वेंस से भी जा सकते हैं, और इस उड़न खटोले से रोप वे से भी जा सकते हैं। तो हमने चूज़ किया कि हम इस बार रोप वे से जाएंगे, तभी तो आपको इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखा पाएंगे। आसपास कितना रमणीक दृश्य है, इतनी सुंदर वैली है, इतनी सुंदर वादियां हैं, इनको देख के दिल बहुत खुश होता है। अब हम बढ़ चले मंदिर की तरफ, बस मंदिर आने ही वाला है। पर आप देखिए बीच में कितना सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं, दूर वो वैली, खुली खुली वैली है, और सामने आपको जो भाखड़ा नंगल डैम से क्रिएट हुई लेक है वो दिख रही होगी, जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो रोप वे है ये शाम को 7 बजे तक ही ऑपरेट होता है। इसका मतलब अगर आप रोप वे से ऊपर जाते हैं तो आपको शाम को 7 बजे इससे वापस आ जाना है, नहीं तो ये रोप वे बंद हो जाता है और फिर आपको किसी अल्टरनेट वे में वापस जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लीजिए साथियों, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पर रोप वे ने हमको उतारा, अब चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का दृश्य, आगे क्या नज़ारा है। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय, जय हो माता नैना देवी की। लीजिए, अब रोपवे से उतर के, ट्रॉली से उतर के हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ अपनी बाईं तरफ मैंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था माता की गुफा, पर मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया क्योंकि कोरोना है इसलिए अभी गुफा तो फिलहाल बंद कर रखी है, पर आगे मंदिर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। वैसे भी हम आज शाम को लेट पहुँचे तो हमें जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगी और मंदिर बंद होने का टाइम मुझे पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे मंदिर, आपको साथ ले चलते हैं माता नैना देवी के मंदिर में। वैसे तो मैंने सुना है कि बाज़ार में बहुत रौनक होती है, लेकिन ये कोरोना का इफेक्ट ही है जिसने इस जगह को सुनसान कर रखा है, पर फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है, लोग मंदिर जा रहे हैं और कुछ लोग लौट कर भी आ रहे हैं। तो हम भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से और चलते हैं मंदिर की तरफ। दुकानें सजी हुई हैं, इन दुकानें से लोग प्रसाद वगैरह ले लेते हैं और सामान भी लोग ले जाते हैं यहाँ से, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए सोवेनियर्स, काफ़ी सामान मिलेगा आपको। अभी तो वैसे रश नहीं है और शाम का समय भी है, मेरे ख्याल से सुबह रश काफ़ी होता होगा। चलिए देखते हैं आगे और चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है और आपको पता ही होगा कि देवी के 51 शक्तिपीठों में भी ये शामिल है, और उत्तर भारत में 9 देवियां हैं, उसमें से छठा दर्शन जो है माता नैना देवी का होता है। धीरे धीरे दिन ढल रहा है और अंधेरा छा रहा है और सूरज भी वापस अपने घर जा रहे हैं। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है सनसेट, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कितना सुंदर, वाह बहुत बढ़िया।
एक बार सब मिलकर मेरे साथ बोलिए जय माता। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 1100 मीटर है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, तभी इसका नाम नैना देवी मंदिर है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहां पर हमें प्रसाद इत्यादि मिल जाएगा, तो हम भी यहां से प्रसाद ले लेते हैं और चलते हैं मंदिर की तरफ माता को अर्पण करने के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए और एक साथ दर्शन करते हैं माता नैना देवी के। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। लीजिए सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मुझे गाना याद आता है, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा, जयकारा माता नैना देवी का, जय माता की। लीजिए अब हमें मंदिर के पहले दर्शन हो गए। तो मंदिर सामने ही है, इसको देख के मन श्रद्धा से भर जाता है। मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये है मेरी फैमिली जो मेरे साथ आई है और माता की आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है। जय माता की, जय माता की। चलिए चलते हैं साथियों मंदिर की तरफ। एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं और माता का नाम लेते हुए नतमस्तक हों और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप भी हमारे साथ बने रहिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हैं। इन सब की उत्पत्ति एक ही है। ये सभी मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति से जुड़े हैं, अर्थात माता सती से जुड़े हैं। मुख्य द्वार पर माता के शेर विराजमान हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है। वो जो सामने पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं बहुत पुराना है और इस मंदिर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। कई सदियों पुराना पेड़ है ये। जय माता जी कहिए। मंदिर के दर्शन सामने ही हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर जो दर्शन मैंने किए मैं उसका आपको वर्णन कर रहा हूं कि मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां हैं। एक आपको मिलेगी दाईं तरफ माता काली की और मध्य में माता नैना देवी की और बाईं ओर मिलेगी भगवान गणेश की प्रतिमा। ऐसा सुना है कि इसके पास में एक पवित्र तालाब भी है, लेकिन हम वहां जा नहीं सके। अब सामने अपनी दाईं तरफ आप देख रहे हैं हवन कुंड। ऐसा माना जाता है कि यहां पर दिन रात हवन होता है, लेकिन इसकी राख यहाँ से निकाली जाती रही है। वो कहाँ जाती है ये प्रभु की माया है। इसलिए आप भी दर्शन कीजिए अभी तक नहीं गए। जय माता की। ये देखिए ये हवन कुंड है जहाँ पर सुबह शाम दिन रात श्रद्धालु हवन कराते हैं। रश ना होने के कारण दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। जय माता की। अब चलते हैं वापस बाहर की तरफ और आपको मंदिर दिखाते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। ये सामने जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पर कभी बहुत रश होता है। कोरोना का इफेक्ट है कि आजकल श्रद्धालु कम है। हमारे लिए तो खैर बहुत अच्छा था, माता के दर्शन बहुत खुले हुए, हमें बहुत साक्षात दर्शन हुए, पर वैसे यहाँ पर बहुत रश रहता है। नीचे चलते हैं। जय माता की। आसपास रोशनी कितनी अच्छी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बच्चों के मुंडन भी होते हैं, लोग आते हैं और बच्चों के बाल उतरवाते हैं। जय माता की। लीजिए दर्शन कीजिए तो फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ। जय माता की। ये है वो उड़न खटोला, इसमें कल रात हम लोग नीचे से ऊपर आए थे। तब तो अंधेरा था, आपको दिखा नहीं सके,
अब देखिए आप, उड़न खटौने से आते वक्त क्या नज़ारा होता है, बहुत सुंदर। और सामने आप जो झील देख रहे हो, ये जो बखड़ा डैम है उसका पानी रोकने से जो सरोवर बना है, गोविंद सरोवर, उसका सीन है। यहाँ से कितना विस्तार है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ भी दिखाएं। रात तो हम गए थे सीढ़ियों से, अब सुबह सोचा कि जो एक और भी रास्ता है जहाँ से लोग पैदल जाते हैं, वहाँ भी आपको ले चलते हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर सड़कों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, रास्ता भी मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा नहीं है, जिससे यात्रियों को डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये देखिए सामने कितनी बुज़ुर्ग महिला आ रही हैं, तो मेरे सरकार से निवेदन है कि रोड्स को ठीक किया जाए, ये रास्ता एटलीस्ट ठीक करें, लोगों को परेशानी ना हो। बाकी यहाँ पर रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे होटल्स हैं, धर्मशालाएँ भी हैं, यात्री निवास हैं। ये ऊपर देख रहे हैं आप राइट साइड पर, यात्री निवास हैं, लेकिन अभी हमने पता किया कल रात, तो ये अभी फ़िलहाल कोरोना के कारण बंद थे। ये वही बाज़ार है जहाँ से रात को हम गए थे। अब आपको दोबारा दिखा देते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि रौनक दोबारा लौटेगी, फिर चहल पहल आएगी और दोबारा से इन दुकानों के लिए अच्छे संकेत होंगे, क्योंकि रोजी रोटी के लिए अच्छे संकेत होंगे। मेरी माता से ये प्रार्थना है कि जल्दी से अच्छे दिन लौटें, इस कोरोना महामारी से हमें मुक्ति मिले और देश वापस पटरी पे आए। जय माता की। देखिए बाजार। सो फ्रेंड्स, आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। कल हम आनंदपुर साहिब से शाम को माता नैना देवी के मंदिर आए थे, मंदिर में दर्शन किए, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। वैसे एक बात देखी मैंने, यहाँ पे भक्तों का तांता दिन रात लगा ही रहता है, यहाँ पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, होटल भी बहुत मिल जाते हैं, यात्री निवास भी बहुत हैं। हाँ, अगर थोड़ी सी सड़कें भी ठीक हो जाए तो क्या ही बात है। और हाँ, आप जब यहाँ आओ ना तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बंदरों से सावधान रहना है। कल रात में बंदरों का करतब देखा, आप भी देखिए और आनंद लीजिए। जय माता दी। ये अब हम चलने लगे हैं माता नैनो देवी से और माता चिंतपूर्णी की तरफ। ये भाई साहब हमारे बैठ गए हैं और ये हम दरबार से निकलते हुए आ जय माता की। साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह सफ़र आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश तो ये थी कि आपको मंदिर के दर्शन अच्छे से कराऊं। अगर मैं इसमें सफल हुआ हूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट्स भी करें ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। तो अब चलते हैं अगले सफ़र पर। यहाँ से हम पहले निकलेंगे भाखड़ा डैम, फिर कोशिश करते हैं कि आज चिंतपूर्णी और ज्वाला माता के दर्शन करें। अगर टाइम सही रहा तो हम कांगड़ा पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। चलते हैं सफ़र पे और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि रहेगा माता चिंतपूर्णी और माता ज्वाला देवी का। जोर से बोलिए जय माता की। Yeah.